तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पाताल पानी एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वहां तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि पुलिस थी तो एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो हम लोग पहुंच गए अभी पाताल पानी। 10 रुपये का हमने शुल्क दिया है, यहाँ पे पार्किंग शुल्क 10 रुपये लगता है और अगर 4-व्हीलर है आपके पास तो उसका 20 रुपये शुल्क लगता है दोस्तों। तो चलो अभी पाताल पानी एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं, वहाँ जाते हैं पाताल पानी घुमाते हैं आपको। दोस्तों 20 रुपये की आइसक्रीम अमेरिकन नट्स काफ़ी बढ़िया लगती है मेरे को, यहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं और अमेरिकन नट्स खा सकते हैं। दोस्तों हम तो नहा नहीं पाए लेकिन हमारी कसर इन बंदरों ने पूरी कर दी है, देख सकते हैं आप लोग कैसे तैर तैर के नहा रहे हैं ये लोग और वहाँ पे झरना बह रहा है। देखो भाई क्या डुबकी मार रहे हैं बंदर, मौज कर रहे हैं यार, असली मजे तो यही ले रहे हैं पूरी गर्मी का। और ये देखो एक छोटू सा बच्चा ये कैसे नहा रहा है देखो। तो आप लोग देख सकते हैं पाताल पानी का झरना कितना अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों आपको एक चीज दिखाता हूँ, इस लंगूर का एक हाथ नहीं है, एक हाथ कट गया है और यहाँ इनका बच्चा भी है। आप लोग को दिखाता हूँ ये टीम बैठी है पूरी और इसको चोट लगी हुई है, ये पूरा घायल है। अब ये घायल कैसे है ये तो नहीं पता लेकिन वो वहाँ पे घायल लेटा हुआ है और ये उनके परिवार वाले दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कराई जाती है, आपको हॉर्स के साथ फोटो खींचने का मौका भी मिल जाता है, 50 रुपये में ये सब होता है। और यहाँ पे ऊँट भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे ऊँट पे भी आप लोग बैठ के फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। दोस्तों हम लोग भुट्टा खाने वाले हैं, यहाँ पे भुट्टा 15 रुपये का एक भुट्टा मिलता है, 30 रुपये के 2 भुट्टे ENT के यहाँ से। तो यह है रेलवे ट्रैक हेरिटेज ट्रेन का जो कि स्टार्ट हो चुकी है अभी आज से, तो आप लोग हेरिटेज ट्रेन से दोस्तों घूमने भी जा सकते हैं कालाकुंड तक, काफ़ी एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है ट्रेन से। तो हम लोग थोड़ा आगे तक जाएंगे अभी पटरी पटरी पे, और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आसे की भी चलती है, वो पीछे आसे की चल रही है। तो देख सकते हैं आप लोग ये रेलवे पटरी है पूरा, ये पूरा ट्रैक है, पूरा सीधा सीधा घूमने जा सकते हैं आप लोग थोड़ा सा आगे तक। चलो हम भी थोड़ा आगे तक जाएंगे घूमने। तो दोस्तों ये नहाने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है, आप लोग देख सकते हैं एकदम पूरा नीचे देख सकते हैं एकदम कुआं की तरह है दोस्तों ये पूरा पाताल पानी वाटरफॉल, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों नहाने के लिए, तो काफ़ी खूबसूरत सा ये लग रहा है झरना, लेकिन वहाँ पे जाने नहीं देते नहीं तो नहाते ज़रूर। तो दोस्तों अभी हम लोग पटरी पटरी के सहारे आगे तक जा रहे हैं घूमने के लिए, पटरियों पर घूम रहे हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कालाकुंड तक ना चले जाएँ हम लोग पैदल, पैदल कोई भरोसा नहीं हमारा। तो फोटोशूट वगैरह तो हमने नहीं किया है लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों आज, और हम लोग जा रहे हैं अभी आप। दोस्तों वहाँ दूर आपको एक झरना दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत सा झरना है दोस्तों, वो नहाने के लिए काफ़ी बढ़िया है और पानी भी डीप है वहाँ पर भी।
दोस्तों अभी हम लोग ये टर्नल के पास आ चुके हैं। अभी आपको हम लोग पातल पानी का टर्नल एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं। हम लोग वहाँ से तकरीबन जो पातल पानी का जो स्टेशन है दोस्तों, वहाँ से तकरीबन हम लोग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर चल के दोस्तों ये टर्नल हमें देखने के लिए मिला है दोस्तों। तो चलो अभी हम लोग टर्नल के अंदर जाते हैं और अंदर जाके भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। और आपने दोस्तों अभी ये वाला व्यू तो देख ही लिया हुआ, ये काफ़ी खूबसूरत सा दोस्तों ये व्यू है, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा दोस्तों अभी फोटो आ रहा था। तो चलो अभी पातल पानी के ये टर्नल के अंदर हम लोग चलते हैं और आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आपको इधर भी दिखाते हैं एक शॉट। हाँ तुम डली, और यहाँ पर तो सूसू की बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, तो हम नहीं जाएंगे यहाँ पर, सब लोग मुँह धोके चले जाते हैं। तो चलो अभी ये टर्नल पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। टनल के पास ही हमें ये टनल पे आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ दोस्तों ये एलगी जमा हो गई है पूरी में, काई काई लगी हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों अभी टनल के अंदर जाने का वक्त हो चुका है, तो चलो अभी टनल के अंदर जाएंगे हम लोग। पटरी से होते हुए दोस्तों पूरा टनल के अंदर तक जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा अंधकार है टनल के अंदर, अंधेरा है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे अभी, हम लोग निकलते हैं क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। काफ़ी समय भी हो चुका है, अभी शाम के 6:30 के करीब हो चुके हैं दोस्तों। तो हम लोग फटाफट यहाँ से निकलेंगे क्योंकि जंगली जानवरों का काफ़ी खतरा रहता है। तो चलो चलते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं फटाफट, क्योंकि अभी शाम भी हो गए तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है यार घूमने का। तो चलो बिना देरी किए हम लोग चढ़ पाए हैं। और ऊपर आने के बाद काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। पीछे खूबसूरती है, आगे खूबसूरती है, चारों तरफ हमारे सिर पर से खूबसूरती है। और अब हम लोग
जल्दी जल्दी जाएंगे उधर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। हम लोग जाने तो कहीं और वाले थे आपको जैसा कि पता ही है, लेकिन पहुँच कहीं और गए। चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। तो उम्मीद तो है पूरी पूरी कि आपको ये ब्लॉग में भी मज़ा आया ही होगा दोस्तों। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ दोस्तों, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। मिलते हैं ऐसे किसी अदर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।